Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't wait for... Control. Control, Uday. कौन नहीं चाहता कि उसके मुंह से खुशबू आए और सब उससे इम्प्रेस हों? अरे कहना क्या चाहते हो? टीवी में इतनी सारी एड आती हैं माउथ वॉश की, टूथपेस्ट की, वो करो उससे खुशबू आएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर भी अगर आपको दांतों से बदबू आ रही है तो सफाई करवा लीजिए। सफाई कराने में 2-3 हज़ार रुपए का खर्च है। 150 रुपया देगा। अगर सफाई कराने के बाद भी बदबू नहीं जाती है तो हो सकता है आपके गले में इन्फेक्शन हो, मुंह में इन्फेक्शन हो, पेट में इन्फेक्शन हो, किडनी खराब हो, लीवर खराब हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप सफाई नहीं कराओगे तो आपके मुंह से बदबू आएगी, लोग आपसे बात नहीं करेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे और कहेंगे भाई उस आदमी से बात मत करना, उसके मुंह से बड़ी गंदी बदबू आती है। रुक, कहां से आते हैं? तो भाई तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं इलाज। I'm not interested यार। लगता है पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सब में इंटरेस्ट नहीं, इतने गंदे दांत हैं। इन सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। चलो मुंह खोलो, अब इस मशीन से दांतों की सफाई करेंगे। थोड़ा सा दर्द होगा, शोर मत करना, चुपचाप बैठे रहो। मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही। देखो अगर सफाई कराने के बाद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई ना तो फिर तुम्हें गले का चेकअप कराना पड़ेगा, हो सकता है गले में कोई दिक्कत हो। और गले में भी दिक्कत नहीं हुई तो अपने फेफड़ों का एक्सरे कराना, हो सकता है उसमें कुछ निमोनिया विमोनिया हो गया हो। और शुगर के भी चांस हो सकते हैं, हो सकता है शुगर होने वाली हो या हो चुकी हो, तुम्हें पता नहीं हो। लगता ये पागल हो गया। पेट तो साफ रहता है ना तुम्हारा, कि वो भी नहीं रहता, हो सकता है पेट की वजह से हो। दांत साफ करने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना पड़ता है, मुझे तो लग रहा है तुम 1 बार भी नहीं करते और फ्लॉस किए हुए तो तुम्हें जमाना हो गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक बात बताओ, तुमने लास्ट टाइम सफाई कब करवाई थी? मुझे तो लग रहा है कि कभी करवाई नहीं है। अब ये दांतों की सफाई कराने के बाद तुम्हें हर 6 महीने बाद आके सफाई करवानी पड़ेगी, नहीं तो बीमारी बार बार लगती रहेगी। चलो इलाज पूरा हो गया है, अब तुम कुल्ला कर लो और शीशे में देख लो, अब तुम कितने स्मार्ट लग रहे हो।